प्रयागराज के कोराव थाना अंतर्गत अयोध्या में रहस्यमयी परिस्थितियों में तीन लड़कों की हुई मौत। बता दें कि दुर्घटना या हत्या कब सुलझेगा यह है रहस्य। क्या प्रयागराज पुलिस कर पाएगी निष्पक्ष जांच? क्योंकि मौजूदा पुलिस चौकी के पुलिस वालों पर भी ग्रामीण और परिजन लगा रहे हैं आरोप। प्रयागराज के कुरान थाना क्षेत्र के रामगढ़ पुलिस चौकी के पास अयोध्या ग्राम पंचायत मार्ग पर बेलन नदी के पुल के ऊपर तीन युवकों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर पता चल रहा है कि गजाधरपुर के रहने वाले विकास केसरी उम्र 26 वर्ष, आकाश केसरी उम्र 24 वर्ष एवं कलवा कोल उम्र 18 वर्ष एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर देर रात ब्रह्मगंज से अपने घर गजाधरपुर वापस आ रहे थे, जहां वे रामगढ़ के पास ढाबे में रुके, खाना खाए एवं 10 बजे अपने घर की ओर निकल गए। लेकिन देर रात तक जब वह अपने घर नहीं पहुंचे तो उनको ढूंढने के लिए निकले घर वालों को तीनों की लाश पुल के ऊपर मिली। घर वालों का आरोप है कि तीनों की हत्या कर दी गई है और संभवत उनके पास धान की बिक्री के लगभग 3 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। घर वालों द्वारा पुलिस एवं ग्रामीणों को इनकी मौत की सूचना प्रेषित की गई, जिसे ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त था और उन्होंने मुख्य मार्ग को अवरोधित कर दिया। सूचना पाते ही कोराव थाने की पुलिस एवं आसपास के थानों की फोर्स बुला ली गई एवं आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर मृतक शरीरों को पोस्टमार्टम के लिए जाने के लिए मनाया जाने लगा। स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधि भी मौका वारदात पर पहुंच गए और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन से जल्दी निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन का मानना है कि संभवत बीती रात घने कोहरे के कारण एक ही बाइक पर बैठे तीनों को सही ढंग से मार्ग नहीं दिखा एवं विपरीत दिशा से आने वाली किसी गाड़ी से दुर्घटना हो जाने की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन लूट एवं हत्या की बात को भी नकारा नहीं जा सकता है और परिवार पक्ष के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस पूरे मामले में कई सवाल सामने आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मगंज के व्यापारी से 3 लाख रुपए की बकाया राशि इन्हें मिली थी या नहीं, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि बेलन नदी के पुल पर बाइक पड़ी हुई थी और मृतकों में किसी के गले में काला निशान था तो किसी के शरीर व गले पर चाकू के निशान थे, ऐसा क्यों? तीसरा सबसे बड़ा सवाल ग्रामीणों का यह भी है कि पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुए हादसे या हत्या के वक्त आवाज हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों को कोई आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? बहरहाल सच क्या है और इसका समाधान कब तक होगा, यह तो पुलिस जांच का विषय है। लेकिन एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत एवं एक आदिवासी युवक की मौत से जहां पूरा इलाके में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं 200 मीटर दूर स्थित पुलिस चौकी की कार्यशैली पर भी सवाल या निशान लगने लगे हैं। बड़े अधिकारियों द्वारा इस पूरे मामले को किस तरीके से लिखा जाएगा एवं पूरे मामले को कितनी जल्दी निष्पक्ष रूप से समाधान कर दिया जाएगा, यह समय का खेल है और अपने गुड वर्क के लिए जाने वाले प्रयागराज पुलिस इसमें कितना गुड और वर्क कर पाती है यह भी देखने वाली बात होगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से दिवाकर पाल की खास रिपोर्ट। कल देर रात एक दुखद सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस को जानकारी हुई कि 3 व्यक्तियों की डेड बॉडी पुल बेलन नदी कर बने पुल पर पाई गई है। तत्काल इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर आया तथा कल आज जैसा कि अभी भी देखा जा सकता है और कल रात्र भी यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, काफ़ी घना कोहरा था और यहाँ की मौसम जो है वो ख़राब था। तो ऐसा जो पहले जो भी पुलिसकर्मी आए थे तथा जो स्थानीय लोग भी मौजूद थे, उनके द्वारा ये अंदेशा जताया गया कि घने कोहरे के कारण से बाइक किसी दुर्घटना में दुर्घटनावश इनकी मृत्यु हो गई होगी, परंतु कुछ लोगों द्वारा इसमें आपत्ति की गई तथा उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, इन व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है।
इस संवेदनशील घटना की तहकीकात करने के लिए हम लोगों ने परिवारजनों से बातचीत की है। बॉडी को अभी पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा रहा है, जिससे कि मृत्यु के सही कारणों का पता लगाया जा सके और डॉक्टर्स की पैनल की रिपोर्ट के बाद और घर वालों के से जो भी एप्लीकेशन प्राप्त होती है सभी विधिक कार्रवाई पूर्ण करा ली जाएगी। जो घर वाले हैं इनके द्वारा आर्थिक सहायता की भी मांग की जा रही थी, जिसके कारण से इनके द्वारा रोड जाम किया गया था। तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इन लोगों से समन्वय स्थापित करके इन लोगों को कन्विंस कर लिया गया है और अब किसी प्रकार का आवागमन बाधित नहीं है।